वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल तो बच्चे देखिए इससे पहले मैं एट पॉइंट मैं ये क्लास टेन का एट पॉइंट वन चैप्टर एट इगोनोमेट्री शुरुआत कर चुका था तो ये एट पॉइंट वन का मैं अभी तक एट क्वेश्चन एट क्वेश्चन करा चुका हूँ और ये एट क्वेश्चन से पहले आपको एक पार्ट वन और पार्ट टू ये दो वीडियो मिलेंगे सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स मोस्टली इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑल्स फॉर्मूला जितना भी फार्मूला है मैं इन दो पार्ट के अंदर दे चुका हूँ और अभी जितना भी खेल खेल रहा हूँ मैं उन दो फॉर्मूला के अंदर से ही खेल खेला जा रहा है और पूरा एट चैप्टर पूरा 8.1 से लेके 8.2 पॉइंट टू का बात कीजिए एट पॉइंट ये पूरा डिपेंडेंट फार्मूला के ऊपर है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है तो आपको सबसे पहले जाकर वो दो वीडियो देखना है पार्ट वन पार्ट टू इसके बाद आप नंबर नाइन कीजिए टू कीजिए तो कर सकते हैं लेकिन 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 बच्चे याद रखिए कि एक नंबर क्वेश्चन दो नंबर क्वेश्चन तीन नंबर ये सब सीरियल कीजिए तभी आपका दिमाग खुलेगा इसमें भी दिमाग खुलना चाहिए कोई भी मैथ मैथ आपको हार्ड लगेगा क्यों भाई आप जब नहीं पकड़िएगा उसको तो आपको हार्ड लगेगा ही ओबियसली सी बात है मैथ्स मैथ्स का जैसा इजी मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं लगता मुझे ही क्यों आपको भी लगना चाहिए मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है क्योंकि उसको समझने की देरी होती है बनाने में देरी नहीं लगता है बस समझने की देरी होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेक्चर होने से टाइम भी ज़्यादा लग जाता है तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें एक आ, राइट एंगल ट्रैंगगल ड्रा करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रैंगल ड्रॉ करना पड़ेगा तो हम उस ट्रेंगल को ड्रॉ करते हैं चलिए ट्रेंगल मैं किससे ड्रॉ करूँ हाँ रेड से ड्रॉ करता हूँ चलिए सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ पे सॉल्यूशन आप लिख लीजिएगा सॉल्यूशन मैं शुरुआत कर चुका इसका तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रैंगल ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कीजिएगा यह है राइट एंगल ट्रैंगल एंगल 90 डिग्री इसका नाम कर देता हूँ यह है ए यह बी यह सी लेकिन यहाँ पे क्या बोला है वो देखना जरूरी है क्योंकि स्टेटमेंट को पढ़ के बनाना है स्टेटमेंट को बिना पढ़े हुए नहीं बना सकते मैं भी भी बोल रहा हूँ स्टेटमेंट को पढ़ के बनाइएगा इन ए राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट हो गया मेरा जो राइट एंगल का ट्रेंग बनेगा मतलब एक ऐटा समकोण बनवा जी समकोण टू बी में बनेगा समकोण टू कन् टू हो बी मैं असामिस वाले के लिए बोल रहा हूँ एक समकोण हिंदी वाले के लिए एक समकोण बनाइएगा जिसका समकोण बी पे डिनोट किया जाएगा मतलब जहाँ पे कट अप होगा ये जो होगा यहाँ पे बी होना चाहिए क्योंकि ये नाइन्टी डिग्री पे समकोण तो यहाँ पे बन रहा है ना डिग्री आपका नाइन्टी डिग्री कहाँ पे बन रहा है यहाँ पे बन रहा है तो ये वाला बी होना चाहिए ये वाला बी होना चाहिए राइट ये वाला क्या होना चाहिए बी होना चाहिए तो ये वाला बी मैं दे भी चुका चलिए दी दे दिए हाँ बी सही है मेरा अभी ट्रेंगल सही है ये पढ़ के ही बनाना है तो टेन ए इसका वैल्यू मांग रहा है इसका वैल्यू मांगने से क्या होता है अभी ए बोला ना ये वाला ये ए का बात बोल रहा है डिनोट कीजिएगा यहाँ पे ए का भी बात है और सी का भी बात है ठीक है, है तो हमको खेल थोड़ा अलग तरीके से खेलना पड़ेगा क्योंकि ए होने से ये परपेंडिकुलर होता है सी होने से ये परपेंडिकुलर होता है चेंज होता है ये चेंज कब होते हैं ये भी आपको वो फार्मूला जो दिखाया पार्ट वन पार्ट टू उसके अंदर आपको मिल जाएगा सी और रेखी मिल जाएगा पार्ट वन पार्ट टू इसके बाद क्वेश्चन नंबर वन मैं बार बार बोला ना क्वेश्चन नंबर वन बनाइएगा टू बनाइएगा थ्री ये बनाने के बाद प्रॉब्लम है क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन में कुछ फार्मूला छूट गया था जो क्वेश्चन नंबर वन में मुझे समझाना पड़ा ये है अभी हम क्या जानते हैं हम जानते हैं गिवन डेट यहाँ पे लिखे गिवन डेट क्या दिया है गिवन डेट यहाँ पे दिया हुआ है क्या दिया है देखिए यहाँ पे दिया है टेन ए टेन a टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है ना यहाँ पे फिर से वो फार्मूला काम आएगा फिर से वो फॉर्मूला काम आएगा सोना चांदी तोला पंडित इसको याद ही कर जाए पंडित बात प्रसाद हर हर भोले अच्छा एक बात बोल रहा हूँ टेन थीटा टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर भाई टेन थीटर मतलब टेन थीटर मतलब पी बाई बी टेन थीटर मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस बराबर इसका वैल्यू कितना दिया है इसका वैल्यू परपेंडिकुलर बाई बेस वन बाई रूट थ्री वन बाई वन बाई रूट थ्री चलिए अच्छी बात है वन बाई रूट थ्री मुझे ये कलर का ही इस्तेमाल करना है। कोई बात नहीं कलर से कोई मतलब नहीं है हमें हमें बस बनाना है है कि नहीं बोलिए टेन ए इक्वल टू पी बाई बी बराबर वन बाई टू थ्री परपेंडिकुलर कितना है वन अभी देखिए टेन ए बोला है परपेंडिकुलर कौन होता है बेस आपको वो नहीं दिखने। आप भेलू है वेल्यू बैठा है टेन ए इज इक्वल टू परुलर बाई आ, बेस चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ समझाऊंगा तभी आप बैठा सकेंगे नहीं समझाने से आपसे नहीं बैठेगा देखिए कौन सा टीचर क्या समझाता है मुझे नहीं मालूम बस आपको ये मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे अभी ए बोला है ए मतलब ये वाला है ना ये वाला है ना ये इसका सीधा सीधी जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा क्योंकि जो बोला जाता है जो इसका मांगता है जो बोलता है उसका सीधा सीधी जो रहता है वो परपेंडिकुलर होता है मतलब ए का सीधा सीधी अगर आए इधर अगर आए देखिए इधर आए इधर आए इधर आए तो ये परपेंडिकुलर होगा परपेंडिकुलर कितना होगा वन देखिए आपका टीचर ना इसको के मान के भी करेगा इक्वल टू के वन बाई रू थ्री बाय इतना के, के इज़ द रियल नंबर हम ये नहीं पकड़ते मुझे क्यों बात झंझट दिखाई देता है मैं नहीं पकड़ता आप लोग पकड़ने से पकड़ सकते कोई बड़ी बात नहीं लेकिन मैं डायरेक्टली लिखा यहाँ परपेंडिकुलर ये है कि हो गया बे बेस इस बार जब भी ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा ये आपस में चेंजिंग हो जाएगी तो बेस होगा रूट थ्री ऐसा होगा अभी मुझे ए सी निकालना है हाइपोटेनियस निकालना है तो हम क्या जानते हैं देखिए हमें मालूम है ना ये एक फार्मूला मुझे मालूम है फॉर्मूला के बेस पे हम क्या जानते हैं यहाँ पर लिखाई लिखिएगा अप्लाई पाइथागोरस से उसे लिखना है नहीं लिखने से भी होगा ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपको एग्जाम में ये दाग नहीं देना है ये दो दाग नहीं देना है मैं फिर से दाग को मिटा दे रहा हूँ ये नहीं तो आप भी ले जाके दे दीजिएगा ये दो दाग नहीं बस इतना लिखना है इतना लिखना है ए सी स्क्वायर जो कि ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी का वैल्यू निकालना है ए सी को मैं वैसा ही रखूँगा ए सी स्क्वायर बी का वैल्यू कितना है रूट थ्री तो रूट थ्री का रूट थ्री का स्क्वायर प्लस बी सी का वन है तो वन का वन का स्क्वायर ठीक है फिर से लिखूंगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर है स्क्वायर ये स्क्वायर रूट थ्री कैंसिल रूट कैंसिल होता है स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है मैं बार बार बोलता हूँ तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ अकेला तीन प्लस अकेला तीन वन का स्क्वायर वन ही होता है वन का स्क्वायर मतलब क्या है ऐसा है वन इंटू वन तो क्या होगा वन होगा कि नहीं होगा वन इंटू वन वन होगा कि नहीं होगा बोलिए तो वही दिया वन अच्छा ए सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर जो टू तीन और एक चार हो गया चार अच्छा अभी ए सी रखूँगा तो ये रूट हो जाएगा ना चार का चार का रूट होगा क्योंकि स्क्वायर हटने से रूट होता है ये मैं पहले बोल चुका था स्क्वायर हटने से क्या होता है रूट होता है स्क्वायर हटने से रूट होता है ये मैं बोल चुका था यहाँ पे बनाऊंगा मैं स्क्वायर हटने से रूट होता है तो ये दे दिया अब लिखूंगा यहाँ पे देखिए ए सी ए सी यही वाला लिख रहा हूँ ए सी ये चार का स्क्वायर क्या होता है चार का स्क्वायर दो का स्क्वायर दे सकता हूँ ना टू इंटू टू फोर होगा ना इस फोर के बदले दो का स्क्वायर दे सकता हूँ ना ये मैं स्क्वायर इसीलिए दिया क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आंसर ए सी का आएगा टू आंसर ए सी का क्या आया बच्चे तो टू तो हम ए सी के जगह में हम ए सी के जगह में टू लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे टू यहाँ पे टू लिख सकते हैं ठीक है टू लिख दिए चलिए ये मिटाता हूँ मुझे आंसर देना है तो ये मिटाता हूँ चलिए ये आपका काम अब नहीं आने वाला है ख़त्म अभी मुझे ऐसे का वैल्यू फाइंड आउट हो गया अब हम क्या करेंगे एक नंबर को सोल्यूशन पर देंगे एक नंबर एक नंबर क्या है एक नंबर पर देखिए इसको रहने दीजिए काम आएगा ये इसको रहने दीजिए काम आएगा एक काम करता हूँ मैं एक नंबर का सोल्यूशन दूंगा ठीक है चलिए यहाँ से दे रहा हूँ ये एक नंबर एक नंबर क्या है मैं डायरेक्टली बैठा रहा हूँ एक नंबर पहले लिख लीजिएगा देखिए एग्जाम में कैसे अटेम्प करना है इसको मैं मिटा देता हूँ मुझे ये याद है आप याद कर लीजिए याद कर ही लेना है कर लीजिए मतलब कर ही लेना है ये एक नंबर का मैं अभी दूंगा क्या दिया है साइन ए इन टू यहाँ पर कुछ नहीं मतलब इन टू है बच्चे ध्यान रखिएगा को सी प्लस कोस ए इंटू सी बस यही है ना यही है तो अभी क्या होता है देखिए होता क्या है होता क्या है देखिये यहाँ पे रखता हूँ मैं यहाँ पे रखता हूँ मैं यहाँ पे रखता हूँ मैं हम्म चलिए ये देखिए अभी साइन ए साइन ए ए मांग रहा है ये ए मांग रहा है ये ये ए मांग रहा है तो ए के लिए क्या होगा ए के लिए ये होगा परपेंडिकुलर ये होगा बेस और इसका फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ सोना चांदी तोला पंडित बटा प्रसाद हर हर भोले अच्छा साइन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा साइन ए साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपरटोनियस यहाँ परपेंडिकुलर कौन है देखिए इससे पहले ये वाला परपेंडिकुलर होता था इस साइड वाला इस साइड वाला परपेंडिकुलर होता था पर अभी इस साइड वाला होगा क्योंकि ए मांग रहा है इसका सीधा सीधे ये है ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है वन है वन दे दीजिए वन बाई उसके बाद हाइपरटूनियस हाइपरटूनियस मतलब दो अच्छा दो दे दिया मैंने दो वन बाई दो अच्छा इसके बाद क्या है मिडिल में इन है तो इन अच्छा ठीक है कोस

और हेपटीनियस टू है तो यहाँ भी होगा वन बाई टू देखिए कैसे हो रहा है किंतु अब डायरेक्टली वन बाई टू वन बाई टू नहीं लिख सकते अच्छा प्लस यहाँ पे देखिए कोस ए इस बार कोस ए मांगा है ए मांग रहा है ए मांगा है ए के लिए ये परपेंडिकुलर है ये आ, बेस है तो अभी कोस के लिए क्या होगा कोस का फॉर्मूला वही होता है कोस का फॉर्मूला बेस बाई हाइपेटिनियस इस बार बेस कौन होगा क्योंकि ए मांगा ना ए के लिए परपेंडिकुलर ये बेस तो मांग क्या रहा है बेस बेस मतलब रूट थ्री अच्छा रूट थ्री बाई उसके बाद बेस बेस का काम खत्म उसके बाद हाइपरटोनियस हाइपरटीनियस तो टू ही होगा तो टू ही रख दिया यहाँ पे कुछ नहीं मतलब इंटू है इंटू दे दिए साइंस सी साइन सी इस बार सी मांगा सी के लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस अभी साइन में फॉर्मूला होता है पारपेंडिकुलर या हाइपरटीनियस तो इसका परपेंडिकुलर रूट थ्री है तो रूट थ्री अच्छा इसके बाद क्या होता है आ, एच मांग रहा है एच मतलब हाइपरटिन हाइपरटेनस कभी चेंज नहीं होता है वो ऐसा ही रहेगा बस आपको खाली ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहता है ये आपको समझ में नहीं आया वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा आराम से समझ में आएगा क्योंकि ये दोनों के लिए थोड़ा कन्फ्यूज हो गया है ए रहने से क्या आएगा बी रहने से सी रन से तो मैंने बार बार बोला चिन्ह भी दे दिया ए के लिए ये परपेंडिकुलर का घर है ये बेस के घर है सी के लिए ये परपेंडिकुलर का घर है ये बेस का घर है ये दोनों आपस में चेंज होंगे तो चेंज जो होगा મે બોલ بھی دیا۔ ઠીક હે ઓર લખા દેખીએ. અબ દેખીએ આમ એક કામ કીજીએ વો દોનો ઇનટુ કર દીજીએ ઇસકો 2 * 2 કેટના હોગા 2 * 2 = 4. ઉપર 1 * 1 તો ઉપર 1 ही રહેગા. અચ્છા + √3 * √3 તો √3 કા સ્ક્વેર √ અચ્છા યે જ્યાદા દેખાઈ દે રહે હે યહા પે તો યે સામે √3 કા સ્ક્વેર હોગા. સ્ક્વેર u સ્ક્વેર ઉપર દીજીએગા. સ્ક્વેર / Two into two, अच्छा, यहां पे चलिए. आएगा. Plus, ये और होता है. मैंने बोला था इसके पहले दो तीन वीडियो में. तो ये नीचे रहेगा थ्री बाई डायरेक्टली फोर अच्छा ये भी काम खत्म ये भी वन बाई फोर है ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा मुझे डर लगता है कि आपको दिख रहा है कि नहीं आप गलत आंसर ना टिक कर ले गलत आंसर ना लिखे गलत आंसर लिखने से बेकार होगा क्योंकि ये मेथ से मैथ्स में कोई मार्क नहीं होता है गलत आंसर पे वन बाई फोर था इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का LCM आएगा फोर। और ऊपर वाला डायरेक्टली जोड़ दीजिए तो अभी देखिए बराबर दीजिए यहाँ पे चलिए मैं अलग कलर से ही बना देता हूँ बराबर दीजिए ये तीन और एक कितना हो गया चार चार नीचे नीचे कितना हो गया नीचे भी है चार नीचे भी है चार जब चार का टेबल से चार जाएगा कुछ नहीं बचेगा मतलब वन आएगा वन एक का एक नंबर के आंसर खत्म मैंने दे दिया वन एक नंबर के आंसर कितना आएगा बच्चे तो एक नंबर का वन आएगा आप चलिए दो नंबर पे चलते हैं तो दो नंबर के लिए मैं फिर से मैं ये मिटाऊंगा मुझे ये जगह चाहिए दो नंबर के लिए मुझे ये जगह चाहिए आप क्या करना है कर लीजिए स्क्रीन मारना है लिखना है कुछ भी करना है वीडियो को पुश करके कीजिएगा कुछ भी करना है ठीक है मैं इसको मिटाऊंगा बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए अब मुझे जगह चाहिए तो मैं ये मिटा रहा हूँ ये जगह चाहिए हो गया जगह मिल गया मुझे बहुत सारा जगह मिला सोने खड़ा होने की जगह चाहिए था अब यहाँ पे तो सोने की भी जगह मिल गया इतना जगह हुआ चलिए कोई बात नहीं इस बार ब्लैक से ही काम करूंगा चलिए दो नंबर ये दो नंबर है यहाँ पे जिस तरह दो नंबर को उतारा था तो मान के चलिए आप इसको उतार लीजिए उतार लिए हम इसको उतार लिया इसको दो नंबर उतार लीजिए उतार लीजिएगा ऐसा दो दो नंबर उतार लेना फिर यहाँ से सोल्यूशन करता हूँ मैं सो मैं समझ रहा हूँ मैं इसको उतार लिया मैं इस यहाँ से सोलूशन शुरू कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको ब्लैक ब्लैक समझ में नहीं आएगा ना तो चेंज कर देता हूँ कोई बात नहीं मैं चेंज कर देता हूँ देखिए कोस ए इस बार भी वही हालात है कोस ए कोस थीटा मतलब ये ए ए के लिए परपेंडिकुलर ये है बेस ये है कोस का मतलब पी बाई बी पी बाई एच परपेंडिकुलर ये है वन वन अच्छा उसके बाद एच मतलब दो दो हो गया इनटू यहाँ पे इनटू है कोस सी सी के लिए ये मैंने पहले ही बोला कोसी इस बार कोस कोस का काम हो रहा है उस समय साइन और कोस का था इस समय कोस कोस का काम हो रहा है कोस कोसी सी के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर ये हो गया बेस फिर कोस सॉरी मैंने जो वैल्यू बैठा है वो थोड़ा गलत बैठा दिया ये वाला गलत बैठा है ये वाला बोलिए तो क्यों क्योंकि कोस का वैल्यू मांगा था मैं साइन के वैल्यू बैठा है अच्छा कोस बेस बाय हेपेटोनी बेस कितना है कोश ए मांगा है ना इस ए पे देखिए ए के लिए ये परपेंडिकुलर है ये ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है अभी क्या मांग रहा है बेस बा हाइपरटोनियस बेस कितना होगा रूट थ्री अच्छा रूट थ्री उसके बाद क्या मांगा है कोस में हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कितना है दो है अच्छा उसके बाद इन टू अब सी का काम होगा देखिए सी का तो सी के लिए अलग में काला से डिनोट कर रहा हूँ मैं काला से नहीं मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ अच्छा सी के लिए अभी सी के लिए ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा ियस ये बेस सॉरी बेस ये होगा अच्छा अभी कोस सी तो हमें मांगा क्या है कोस कोस में बेस बाय हाइपटोनियस बेस कौन है ये बेस है सी मांगा ना तो ये बेस है वन वन दो दो हो गया ये दो हो गया अच्छा इधर माइनस है माइनस साइन ए साइन ए के लिए ए के लिए मैंने बोला था ये वाला लाल वाला काम करेगा ए के लिए परपेंडिकुलर ये है बेस ये है साइन साइन थ्री इक्वल टू पी बाई एच पी मतलब कितना है वन वन दे दो एच कितना होगा दो तो दो दे दो इधर इंटू साइन सी सी के लिए ये वाला परपेंडिकुलर ये वाला बेस साइन के लिए पी बाई एच मांगा है पी बाई एच पी मतलब ये होगा रूट थ्री और एच कितना होगा दो काम वही करना है टू टू जा इसको इंटू कर दीजिए कितना होगा फोर रूट थ्री इंटू वन तो ऊपर होगा रूट थ्री यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ पे देखो क्या है टू टू कितना है टू टू जा फोर वन इंटू रूट थ्री तो रूट थ्री ठीक है एलसीएम क्या आएगा एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का इन दोनों का एल्शियम आएगा चार जब भी एल्सियम चार आएगा तो ऊपर वाला वैसा ही रह जाएगा मैं बोला इससे पहले देगा जब भी नीचे वाला समान रहता है तो एक बार नीचे लिखा जाता है और जब नीचे वाला समान रहता है तो ऊपर वाला जो भी वैल्यू है डायरेक्टली बैठ जाता है डायरेक्ट जो है वही रूट रूट थ्री माइनस रूट थ्री रूट थ्री माइनस रूट थ्री अब देखिए रूट थ्री माइनस रूट थ्री अब क्या आना चाहिए ऊपर जब रूट थ्री से रूट थ्री माइनस करूंगा मतलब कोई भी मा, मान के चलिए यहाँ पे तीन में से तीन रुपया चला गया यहाँ पे तीन रुपया है तीन रुपया आप किसी को दे दिए आपके पास कितना बचा जीरो नीचे कितना बचा चार यहाँ पे बोला एक्चुअल में आंसर क्या आना चाहिए जब जीरो ऊपर हो नीचे चार हो आंसर ऑलवेज जीरो आंसर आएगा जीरो ये है जीरो आंसर नीचे इसका नीचे रखेगा जीरो ये भी मैं बोल चुका हूँ अगर ऊपर जीरो रहा नीचे कोई भी लाख करोड़ कुछ भी मिलियंस बिलियंस कुछ भी नंबर हो तो आंसर जीरो आता है ऊपर जीरो रहा जीरो अगर रहा तो कोई भी नंबर्स के ऊपर जीरो रहा बिलियन करोड़ कुछ भी हो अगर नीचे जीरो रहा तो उसका आंसर हमेशा इनफाइनाइट होता है तो मैं ये भी बोला था मैं दो नंबर भी ये दो नंबर भी सोल्यूशन कर दिया दो नंबर का जीरो आएगा ये सीधा सीधे ही दो नंबर का सोल्यूशन है इधर एक नंबर का सोल्यूशन मैंने किया इससे पहले कुछ बनाया था वो, वो आपको समझ में आएगा एक नंबर यहाँ से किया इससे पहले मैंने ये किया था यहाँ पे सिर्फ हेपटिन को निकालना मुझे जरूरी था तो निकाला मैं और एग्जाम में एग्जाम में एक बात बोलूँ एग्जाम में आपको ये बेस ये बेस परपेंडिकुलर ये बेस ये पर ये सब लिखना नहीं है तो ये दाग भी नहीं देना है बस इतना इतना साधारण सा एक ड्रॉ आपको बनाना है और वैल्यू को लिखना है ये ड्रॉ आपको बनेगा वैल्यू लिखेगा बाद बाकी ये सब नहीं करना है एग्जाम में और ये जो मैं कर रहा हूँ आप अगर करना चाहते हैं तो पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं और पेंसिल का यूज़ करके इसको तुरंत मिटा देना पड़ेगा आपका लिखना खत्म हुआ आंसर ख़त्म हो गया आप मिटा दीजिएगा क्योंकि ये लिखा कोई ये नियम नहीं है लिखने का ये बेकार ख़राब लगेगा तो आपको मार्क काट दिया जाएगा शायद तो इसलिए ये काफ़ी है मुझे लग रहा है समझ में आया होगा और बहुत मेहनत से बनाना पड़ रहा है आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा या बोलना तो पड़ेगा ही नहीं बोलना तो चाहिए नहीं मुझे मालूम है आप लाइक ज़रूर करते हैं और करना भी चाहिए और आप कीजिएगा जरूर और बोल रहा हूँ किसी का प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए कुछ भी प्रॉब्लम है कुछ भी सब्जेक्ट हो कुछ भी हो आप कमेंट कीजिए और एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर ये अच्छा लगा तो नीचे एक थैंक्स ज़रूर लिखिएगा मैं आशा करूँगा सबसे थैंक्स का ठीक है बाय बाय